दोस्तों, कौन था वो बॉडीगार्ड जिसे शाही परिवार की राजकुमारी के सारे राज पता थे, और कौन सा था वो बॉडीगार्ड जो खतरनाक 8 लोगों से अकेले भिड़ गया। दोस्तों, सिर्फ सिनेमा स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी सेलिब्रिटीज होते हैं ये बॉडीगार्ड, बहुत ही खतरनाक होते हैं। आज हम आपको नेशनल इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के 14 ऐसे ही बॉडीगार्ड से मिलवाने जा रहे हैं, वफादार, खतरनाक और बहादुर। ये बॉडीगार्ड सेलिब्रिटीज को सुरक्षा देते देते खुद भी बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, और ये शोहरत इन्होंने अपने पेशे से मेहनत करके कमाई है, जिसकी इन्हें भरपूर कीमत भी दी जाती है। नंबर 1, बॉडीगार्ड ऑफ कार्दाशियन पास्कल डुबियर। दोस्तों, बॉडीगार्ड पास्कल डुबियर ने कार्दाशियन के परिवार की हिफाजत से पहले भी कई नामचीन हस्तियों की हिफाजत का जिम्मा लिया है। इनका नाम दुनिया के सबसे महंगे बॉडीगार्ड्स में लिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये और इनकी टीम एक साल का मेहनताना लगभग $10 मिलियन लेती हैं। पैसे में मत जाइए, इनकी सर्विस भी धांसू होती है। ये वही बॉडीगार्ड हैं जिनके मजबूत और कद्दावर कंधों का इस्तेमाल कार्दाशियन अपने म्यूजिक कॉन्सर्ट में अब तक करती आई है। अपने फैंस की भीड़ में वो इन्हीं बॉडीगार्ड के दम पर निकलती हैं। इनके रहते कोई कार्दाशियन का दामन भी नहीं छू सकता। यकीन नहीं आता तो जरा कार्दाशियन के क्रेजी फैंस से निपटते इनके बॉडीगार्ड को देख लो। क्या इसे देखकर आप अब भी कार्दाशियन के नजदीक जाने की जरूरत करना चाहेंगे? नंबर 2, बॉडीगार्ड ऑफ जस्टिन बीबर। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कैनेडियाई सिंगर जस्टिन बीबर का हर एक बॉडीगार्ड फैशन के मामले में एक मॉडल की तरह लगता है। जो लोग नियमित रूप से बीबर के बॉडीगार्ड नहीं भी है, वो भी उनके म्यूजिक कॉन्सर्ट पर उनके बॉडीगार्ड बने रहते हैं। ये काफी आकर्षक होते हैं। मजे की बात तो ये है कि जस्टिन बीबर का हर बॉडीगार्ड एक हीरो की तरह लगता है, जबकि बीबर के शुरुआती दौर से साथ रहे बॉडीगार्ड माइकल एरेना भी बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम है। इनकी पर्सनालिटी देखते ही बनती है। नंबर 3, सलमान खान बॉडीगार्ड शेरा। दबंग स्टार सलमान खान के साथ किसी परछाई की तरह रहने वाले बॉडीगार्ड शेरा पिछले 25 सालों से सलमान खान की हिफाजत करते आ रहे हैं। आपको बता दें, सलमान खान और शेरा के बीच बहुत अच्छे दोस्ताना संबंध है। सलमान इन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। जाबाज बॉडीगार्ड शेरा का असली नाम गुरमीत सिंह जौली है। इन्हें सलमान खान से करीब 2 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं, यानी इनकी मंथली सैलरी लगभग 16 लाख रुपए। सिख परिवार से आए शेरा को बचपन से ही बॉडी बिल्डिंग का शौक रहा। सलमान की फिल्म बॉडीगार्ड शेरा से ही प्रेरित है। आप शेरा सलमान के इस रिश्ते पर कुछ कहना चाहेंगे? आपका कॉमेंट बॉक्स में स्वागत है। नंबर 4, अमिताभ बच्चन बॉडीगार्ड जितेंद्र शिंदे। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के पहले एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन के साथ किसी साई की तरह रहने वाले जितेंद्र शिंदे आपको अमिताभ के साथ उनके हर प्रोग्राम, हर शूटिंग के दौरान दिख जाएंगे। इस काम के लिए उन्हें अमिताभ बच्चन बतौर सैलरी 60 लाख रुपए का पैकेज देते हैं। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। कहीं आप भी बॉडीगार्ड बनने की तो नहीं सोच रहे? नंबर 5, आमिर खान और युवराज घोरपड़े। फिल्मों के मामले में बेहद चूजी रहने वाले स्टार आमिर खान की हिफाजत का जिम्मा बॉडीगार्ड युवराज घोरपड़े पे। ऐसे शानदार सुपरस्टार आमिर खान की हिफाजत का जिम्मा लेने वाले युवराज घोरपड़े प्रोडक्शन का कोई भी काम हो या फिर शूटिंग, वो हमेशा आमिर की सुरक्षा करते हुए दिख जाएंगे। साय की तरह साथ रहने वाले बॉडीगार्ड युवराज को इस काम के लिए आमिर खान करीब 1 करोड़ रुपए की मोटी रकम देते हैं। नंबर 6, शाहरुख खान और रवि सिंह। दोस्तों, शाहरुख खान के बॉडीगार्ड का नाम है रवि सिंह, जबकि रवि सिंह से पहले बॉडीगार्ड यासीन लगातार 10 साल तक उनकी सुरक्षा कर चुके हैं। बाद में यासीन अपनी सिक्योरिटी कंपनी खोलकर उसमें व्यस्त हो गए थे। बेहद स्टाइलिश और आकर्षक चेहरे के मालिक रवि सिंह अपनी ड्यूटी का मेहनताना करीब 1 करोड़ रुपए सालाना लेते हैं। नंबर 7, अक्षय कुमार बॉडीगार्ड श्रेयस थेले। खतरों के खिलाड़ी नाम से मशहूर और खुद ही किसी बॉडीगार्ड की तरह लगने वाले अभिनेता अक्षय कुमार की हिफाजत की जिम्मेदारी बॉडीगार्ड श्रेयस थेले के कंधों पर है। वो अक्षय के साथ साथ उनके बेटे आरव को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। परिवार की सुरक्षा के साथ ही वो उनकी आउटडोर शूटिंग पे मौजूद रहते हैं। जब अक्षय कुमार छुट्टियां बिताने बाहर जाते हैं तो श्रेयस थेले उस वक्त भी उनके परिवार के साथ रहते हैं। इन सभी सेवाओं के लिए श्रेयस को अक्षय 2 करोड़ रुपए सालाना देते हैं। नंबर 8, बॉडीगार्ड ऑफ जैसन मोमोआ। दोस्तों, जैसन मोमोआ अपने कई बॉडीगार्ड से घिरे रहना पसंद करते हैं। वो एक अमेरिकन कंपनी से अपनी सुरक्षा की सेवा लेते हैं, जिसके 6 बॉडीगार्ड जैसन की हिफाजत करते हैं। इसके लिए वो अमेरिकन कंपनी को सालाना 8 करोड़ रुपए देते हैं। नंबर 9, ब्रुकलिन बेकहम बॉडीगार्ड।
दोस्तों, बेकहम को इंग्लैंड के महानतम फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में आज भी याद किया जाता है। इनकी पत्नी का नाम विक्टोरिया बेकहम है। इनके बड़े बेटे ब्रुकलिन बेकहम ने सार्वजनिक रूप से अपने बॉडीगार्ड को दिखाना शुरू किया था। जब ये बॉडीगार्ड लोगों की नजरों में आया, तभी उसे आंखें फाड़ते देखते रह गए लोग, क्योंकि ये बॉडीगार्ड अत्यधिक स्टाइलिश स्मार्ट इंसान था। इसका सालाना पैकेज लगभग 3 करोड़ रुपए का था। नंबर 10, बरी मनकी, बॉडीगार्ड प्रिंसेस डायना। दोस्तों, आपको राजकुमारी डायना तो याद ही होगी। इनके बॉडीगार्ड थे बरी मनकी, जो कि अपने क्लाइंट की बेहतरीन देखभाल के लिए जाने जाते थे। इस बॉडीगार्ड को राजकुमारी डायना का सबसे करीबी राजदार भी जाना जाता था, जिसे राजकुमारी डायना के कई राज मालूम थे। एक टेप में तो राजकुमारी डायना इस बॉडीगार्ड से प्रेम संबंध को स्वीकार करते पाई गई, जिसमें उनका कहना था कि वो बॉडीगार्ड बेरी मनकी के साथ भाग जाना चाहती है। हालांकि इस बात के ठोस सबूत नहीं मिले। बड़े अफसोस की बात है कि 1997 में एक कार दुर्घटना में बरी मनकी की मौत हो गई, जिसके साथ शाही परिवार के कई राज भी दफन हो गए। नंबर 11, एना लोगिनोवा। दोस्तों, ये एक महिला बॉडीगार्ड है, साथ ही एक मॉडल भी है। ये दोनों ही बातों के लिए बड़ी मशहूर थी। हर हालात में कूल रहने वाली एना लोगिनोवा को दुनिया की सबसे खतरनाक महिला बॉडीगार्ड के रूप में जाना जाता था। इन्होंने एक सिक्योरिटी कंपनी भी चलाई, जिसमें वो महिला बॉडीगार्ड को ट्रेन करने के साथ उन्हें सप्लाई भी किया करती थी। आपको बता दें, दुनिया भर के कई क्लाइंट्स महिला बॉडीगार्ड को पसंद करते हैं, क्योंकि इन्हें ज्यादा वफादार समझा जाता रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि एक कार दुर्घटना में इस खूबसूरत बॉडीगार्ड की मौत हो गई। नंबर 12, लॉर्ना लफिट्स बॉडीगार्ड चक जिटो। दोस्तों, बॉडीगार्ड जिटो एक मशहूर बॉडीगार्ड होने के साथ साथ एक अमेरिकन एक्टर, बॉक्सर, मार्शल आर्टिस्ट, सेलिब्रिटी बॉडीगार्ड, एक स्टंटमैन भी रहे। इनका करियर काफी लंबा रहा। इन्होंने 17 साल की उम्र में हाई स्कूल छोड़ने के बाद एक बॉक्सर के रूप में ख्याति प्राप्त की। ये एक मोटरसाइकिल ग्रुप में भी शामिल हुए थे और आखिरकार इन्होंने चार्ली एंजल्स सिक्योरिटी सर्विस ज्वाइन कर ली। और लॉर्ना लफिट्स का बॉडीगार्ड बनने के बाद वो कई मशहूर सेलिब्रिटीज के बॉडीगार्ड रहे, मगर इसके बाद इन्होंने एक्टिंग को अपनी मंजिल बनाया और एक शानदार एक्टर भी बन गए। नंबर 13, स्नूप डॉग्स बॉडीगार्ड ब्रूडस कैली। दोस्तों, इस भारी भरकम बॉडीगार्ड की लंबाई 6'7" है, जो कि अब सिक्योरिटी सर्विस से रिटायर हो चुके हैं। कभी स्नूप डॉग्स के बॉडीगार्ड रहे कैली ने 2006 में बॉडीगार्ड के काम से संन्यास ले लिया और फिर WWE के रेसलर के रूप में करियर की शुरुआत की। कहा जाता है कि इंग्लैंड में एक शो के दौरान स्नूप डॉग के ऊपर 8 लोगों ने हमला किया था, तो कैली उन 8 लोगों से अकेले भिड़ गए थे। तब वो 3 करोड़ रुपए सैलरी लिया करते थे। नंबर 14, बॉडीगार्ड ऑफ यूक्रेनियन प्रेसिडेंट लियोनिड कुचमा। दोस्तों, यूक्रेन के प्रेसिडेंट लियोनिड कुचमा के बॉडीगार्ड माइकोला मेलिंचको की बात जरा हटकर है, क्योंकि बॉडीगार्ड माइकोला ने गुप्त रूप से 1998 और 2000 के बीच कुचमा के गलत कामों की बातचीत को रिकॉर्ड किया था। गलत कामों का सबूत जुटाने के बाद माइकोला देश छोड़कर भाग गए थे, जबकि इन्हीं टेप रिकॉर्ड किए गए सबूतों से पता चला कि राष्ट्रपति कुचमा ने ही सम्मानित पत्रकार जॉर्जी के अपहरण और हत्या का हुक्म दिया था। साथ ही वो इराक को अवैध हथियार भी बेचते रहे। यहाँ ये बात साबित होती है कि एक बॉडीगार्ड सेलिब्रिटी की सुरक्षा तो कर सकता है, लेकिन उसके गलत कामों में उसका साथ नहीं दे सकता, बल्कि वो उसके खिलाफ भी जा सकता है। दोस्तों, आपको कौन से सेलिब्रिटी का कौन सा बॉडीगार्ड बहुत ही अच्छा या खास लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।